प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त इलाज और दवाइयां मिलना जारी है, लेकिन लगता है कि करौली के स्वास्थ्य अधिकारी इस सुविधा से जनता को वंचित रखना चाहते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, जबकि इस आशय का एक पत्र करौली जिला अस्पताल के CMHO डॉक्टर बाबूलाल मीणा ने जारी किया है। इसमें मरीजों से कहा गया है कि अब उनके सरकारी फ्री इलाज और दवा की सुविधाएं नहीं मिलेंगी। मरीजों को सरकारी अस्पताल में भर्ती होने पर जरूरी नए चार्ज देने होंगे। 1 जून को लिखे गए इस पत्र में कहा गया है कि जिले की राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी और जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई, जिसमें सरकारी अस्पताल की आय के स्रोतों को बढ़ाने और मरीजों को अच्छी गुणवत्ता का इलाज देने के लिए नई दरें लागू करने का फैसला लिया गया है।